कौन कब मेरे को चेरी का आइडिया है लेकिन मैं तो अपने खाने लायक लगाई तुम्हारा क्योंकि हमारे तो वहाँ पे चेरी ना बिकती है हमारे पटना हमने ट्राइल्स के लिए जितनी लगाई है पहले वाली ये जो पीएस ये सो तो आजकल कर सकते हैं अभी जनवरी आजकल 5-6 लीटर कटिंग के बाद में से कौन स्प्रे करनी है देखा है लाइटॉक्स कर दो जी बोडो मिक्सर कर सकते हैं आप लाइटॉक्स क्या है वैसे तो 600 ग्राम जी फर्क नुकसान ज़्यादा होता है ब्लाइटॉक्स है या बोडो मिक्सर है ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जी ये फंगस को कैसे जलाती है मतलब साफ करती है ना स्किन को जो चीज़ किसी चीज़ को साफ कर रही है ना वो मतलब उसको जला रही है तो जब वो उसको जला रही है तो उसका नुकसान तो है उसकी एक डोज बनाएगी ये है जिसमें वो सेफ है उस रेशो से ज़्यादा आप उसको जब डालेंगे ना जी तो वो और ज़्यादा जलाएगी तो मतलब वो नुकसान पहुँचाएगी वो उसकी टेस्टिंग हुई है कि इतनी रेशो तक आप इसको डाल सकते हैं 200 लीटर हाँ जी 600 ग्राम नॉर्मली 500 ग्राम डालते एक डब्बा डाला बड़े पुराने बगीचों में 2 किलो नए बगीचा है तो 1.5 किलो बहुत है हाँ जी कास्टिक सोडा चूना नीचे डालने से कोई फायदा है पीएच अगर आपका डाउन है तो आपको डालना ही डालना क्या रेशो वो तो पीएच आप कितना पेड़ देख के नहीं पीएच के हिसाब से होगा अगर आपका पीएच हमारे को चाहिए पीएचसी 6.5 के आसपास 6-6.5 अगर आपका रहे तो 6.5 से 7 चाहिए होता है तो 6 से 6.5 भी रहेगा आपका तो ठीक है अगर 6 से आपका पीएच नीचे आने लग गया 5.5 के आसपास है तो आपको 1.5 किलो से 2 किलो चूना डालना है पेड़ वो आपको तौलिया बस छोटा भी होगा वो डालना है आपको मिट्टी का पीएच बढ़ाना है वो मिट्टी इस कभी ऐसा है यहाँ अगर आपका छोटा पेड़ है फिर बड़ा पेड़ है तो आपने वो बिखेर के डालना है और उसको अगर आजकल कोई डाल रहा है चूना तो उसको मिलाना जरूर है क्योंकि आजकल पाला पड़ता है ना जी वो ऐसे ही डालेंगे आप उसकी पपड़ी बन जाती है वो जम जाता है फिर वो फायदा नहीं करता तो इसलिए डाला तो उसको हल्का हल्का ऐसे वो छींटे उठाने वाली नहीं आती जी उससे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे मिला दो वो मिट्टी में एक बार मिल जाएगा तब वो रिएक्शन शुरू करेगा तब वो 20-25 दिन लेता है काम करने में तब आपकी पीएच को डाउन करेगा चूना अभी दिसंबर में ही पड़ेगा चूना तो अभी भी डाल सकते हैं जी मतलब ये आप कोई भी खाद डालनी है ना जी 20-25 दिन तक आप 1 महीने से पहले जी हाँ जी हाँ जी तो आपने जब भी चूना डालना है ये याद रखना है कि उसके 20-25 दिन तक आपने कोई खाद देना है क्योंकि उसको काम करने देना है तब तक उसके बाद कोई भी खाद डालेंगे तब वो काम करेगी पीएच को तब तक ठीक करेगी जितना उसने आपने डाला है उस हिसाब से तब तक उसको लेवल पे जाएगी उसके बाद ही आप कोई खाद डालो जी दूसरी कभी भी कर सकते नहीं बिल्कुल कर सकते अभी कर सकते हैं और सॉइल टेस्ट सबसे ज़रूरी है जी क्योंकि हम तुक्के में खादें डाल रहे हैं हम तो सेब तोड़ के ख़त्म होते हैं और हम साल का कोटा ला देते हैं अब हमने सर्दी में डालना है फरवरी में डालना है खाने का नहीं सकते और उसकी ज़रूरत है कि नहीं है सब हमारे यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि कम है हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई कि ज़्यादा हो गई वो ज़्यादा हो गई तो वो जमा हो गई मिट्टी में ही जमा हो गई वो पेट ले ही नहीं पा रहा वो गड़बड़ हो गई इसी के लिए पीएच का सही होना बड़ा ज़रूरी है जब तक पीएच सही नहीं हुआ पीएच डाउन होने का मतलब है सॉइल एसिडिक होना एसिडिक क्या हुआ जैसे हमारे को एसिडिटी होती है अब मेरे को गैस्ट्रिक है एसिडिटी हो गई ना जी आप मेरे को घी खिलाओ दूध पिलाओ जो मर्जी खिलाओ मेरे को खट्टे डकार ही लगना है कुछ नहीं है ना जी मेरी सेहत को लगना नहीं है वो तो इसका भी ऐसा ही है पेड़ का जब तक इसका पीएच सही नहीं आया ना जी जो आपने डाला है वो इसको नहीं लगने वाला वो ले ही नहीं पाएगा ये प्रॉपर तभी लोग बोलते हैं मेरे मोम इतनी खाद पाए जी ये डाला जी मेरे तो पेड़ में ग्रोथ नहीं आई मेरे तो सेब में साइज नहीं बना क्यों नहीं बना क्योंकि वो नीचे से लेने वाला सही नहीं है ना जी सिस्टम वो पीएच इतना गड़बड़ हो गया कि वो अपटेक ही नहीं कर रहा वो जमा हो रही है नीचे वो अपटेक नहीं कर पा रहा अगर ज्यादा क्रॉप है फिर तो है ही है ना जी वो तो पहला रीजन हो ही गया है ना जी ज्यादा है तो वो तो क्रॉप मैनेजमेंट है ना जी आप क्रॉप लोड कितना रखते हैं पेड़ पे एक पेड़ की कितनी कैपेसिटी है एक अच्छा फ्रूट देने की उससे जब ज्यादा क्रॉप लगेगी तो ऑटोमेटिकली साइज तो प्रॉब्लम अगर आप उसको चाहेंगे कि अब मेरे को और ज्यादा साइज चाहिए वो मुश्किल हो जाएगा एक स्ट्रेंथ है ना जी आदमी के मैं इतना वजन उठा सकता हूँ उससे ज्यादा मैं चाह के भी नहीं उठा पाऊंगा उठाऊंगा तो नुकसान होगा जी उठाने के लिए तो बॉडी बिल्डर है जी लेते हैं स्टेरॉइड लेते हैं पर उठाते हैं पर एक टाइम के लिए ले पाएंगे ना उससे शरीर मरेगा उससे आपका पेट भी मरेगा आप उससे ज्यादा लेंगे और ज्यादा डालेंगे कुछ अब मेरा साइज बने वैसा नहीं हो पाएगा
वो क्रॉप को तो आपको मैनेज करना है, क्रॉप लोड जब तक आपने मैनेज नहीं किया कि इतनी फसल मेरे इस साल रहे तभी इसमें फ्रूट साइज भी बनेगी, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। वो आप प्रूनिंग से पहले ऐसे बी में छांट दो या आप फ्रूट थिनिंग कर लो, ये चीज़ें उस आपको मैनेज करनी पड़ेगी, वरना एक चीज़ से तो जूझना पड़ेगा, या तो क्रॉप से या साइज से, दोनों चीज़ें। हैवी क्रॉप में हैवी साइज लेना बहुत मुश्किल। तो प्रूनिंग ऐसी है जी, प्रूनिंग करना शुरुआत करनी होती ना पहले अपने जी आई जेड के बिट्टू भाई के बगीचे में पाँच मिनट तक डिस्कशन करो जो भी खाली जगह है, वरना उसमें और सेटिंग में कोई फर्क नहीं है, आपको क्वालिटी के हिसाब से फायदा नहीं मिलेगा। 111 फिर उससे बहुत अच्छा, 7 तो उससे बहुत ही बढ़िया होगा। कनोल इसमें क्या है ना कि यहाँ जो टिश्यू कल्चर जो लैब्स है ना जी यहाँ पे हमारे इंडिया में, इनने अब मान के चलो यही जो हमारे घुमा वगैरह इधर इसका जो टिश्यू होता है ना लिया हुआ जो लेते हैं ना जी जब इसको बनाते हैं लैब में, वो टिश्यू इन्होंने कहाँ से लिया हुआ है ना वो बड़ा रोल प्ले करता है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो पुराने टिश्यू कल्चर के जो रूट स्टॉक्स आए हैं ना जी वो M9 BBB से ज्यादा भाग रहे हैं, तो वो टिश्यू ही सही नहीं है ना जी, प्रॉब्लम ये हो गया M9 तो है ही नहीं, वो तो सेटलिंग की तरह भाग रहे हैं, तो वो कहाँ वो सही नहीं है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में भी लग रहा है टिश्यू कल्चर रूट स्टॉक्स लगते हैं। तो क्लोनल रूट स्टॉक्स में क्या होता है, अडैप्टेशन बहुत अच्छी होती है, आपने मिट्टी में ही तैयार किया है ना जो टिश्यू कल्चर, तो लैब में तैयार होता है, तो क्लोनल है वो तो मिट्टी पे लगा हुआ है, आप बाहर की टेम्परेचर पे लगा है उसको वहाँ से निकालेंगे और वैसी क्लाइमेट पे आप लगा देते हैं, उसकी जो सोयल एडप्शन होती है वो अच्छी होती है, वो चलता बहुत अच्छा है। टिश्यू में एक प्रॉब्लम वो भी आ रही है, वो ब्रेकिंग ना ग्राफ्ट, वो मेनली मेरे को थोड़ा तो दिक्कत ही होगी ना जी कि हम गालास जो कर रहे हैं उसमें एक तो उसकी शायद कंपेटिबिलिटी तो है ही है कुछ टिश्यू कल्चर उसके साथ, दूसरा फिर हम एक तो गाला भाई 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 हम उसकी कैनोपी 3-4 साल में इतनी बना देते हैं ना जी, वो स्ट्रेंथ उसकी ले नहीं पा रहा, या तो आप उसमें सपोर्ट सिस्टम दो तब तो शायद वो टिक जाए, वरना वो टूट ही रहा है। क्योंकि टिश्यू कल्चर में ये हो सकता है कि कंपेटेबिलिटी इस वजह, क्योंकि वो ग्रो बहुत कर रहा है तब तक उसने स्ट्रेंथ नहीं लिया शायद अंदर से, क्योंकि ये यहाँ पे तो ये दिक्कत आई है बाहर, मतलब हमने कई कई डॉक्टर से बात और वो बोलते हैं यहाँ इतनी प्रॉब्लम ऐसी देखने में नहीं मिली, तो यहाँ या तो हम उसकी कैनोपी बढ़ा रहे हैं 3-4 साल में गालास गुलास की, प्रॉपर है ना, यहाँ हम सपोर्ट लगाते नहीं है और पेड़ उस पर बन जाता है, 4 साल में गाला का पेड़ इतना मोटा बन जाता है, उसमें फ्रूट भी लेने शुरू कर देते हैं, वो स्ट्रेंथ नहीं ले पाता तो उस करके वो टूट जाता है, वो दिक्कत हो सकती है। फिर ये थोड़ा सा ज्यादा यहाँ देखने में मिला ये टिश्यू कल्चर में, बात वही है ना भैया, ये टिश्यू यहाँ लैब कितनी है टिश्यू कल्चर की, वो जेन्युइन कितनी है, हाँ जी, तो मतलब अब ये उन्होंने कहाँ से लिया है वो जेन्युइन वही वाला है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आई है, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने M9 लगाया था और M9 ने वो तो सीडलिंग से ज्यादा भाग रहे हैं, सीडलिंग पे उठाना मुश्किल है और M9 पे इतना पेड़ बनाना बड़ा मुश्किल था, मतलब जिसके तो पेड़ बन गए उसको तो खुश है कि इतने बड़े पेड़ चले गए, वो M9 है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ तो बहुत गड़बड़, राजेश खिमटा जी के ऑर्चर्ड वो तो मटेरियल ही बाहर से आया हुआ है, वो गरीबा से मटेरियल आया हुआ है और जिन्होंने ऑर्चर्ड देखा होगा 2 साल में वो पेड़ आपस में मिल गए, और जब उनको दिखाया ना जी वो जितने भी बाहर से आए डॉक्टर फॉरन वाले उनको जब दिखाया उन्होंने बोला ये तो M9 नहीं, और ये ट्रिपल, उनको पूरी रिप्लेसमेंट की बात बोली थी उन्होंने कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे हम दे देंगे, तो वहाँ से भी गड़बड़ हो जाती है, हम लोग नहीं पहचान पाते ना, अब पता लगने लगा जी M9 है तो इसमें बॉटल नेक है ना जी, दूसरी है तो ऐसी है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ये चीज़ें नई है हमारे लिए, तो आम आदमी को पता नहीं है, जिसने लगाया उसके लिए तो लगाया तो M9 पर वो भाग रहा है, हम तो खुश हो जाते हैं M9 इतना पेड़ बन गया, जीतू चौहान का ऑर्चर्ड था वो M9 पे थे अभी भी लिखा हुआ है पर वो M9 है ना जी, उसमें 2-3 ही पेड़ है, वो इतना उठाना मुश्किल है ना जी, ऊपर से आप उस पर डिलीशियस वेराइटीज लगाओगे, एक बॉक्स आप बॉक्स का है तो सिर्फ
M9 पे आपको विग्रस वैरायटी लगानी पड़ेगी। मेरे पास भी लगा है ना, तो उसमें हाफ बॉक्स ही आता है। हां जी, उसकी कहना भी उतनी उसकी स्ट्रेंथ उतनी है ना, जो उतना संभाल पाता पेड़ को, उतना सपोर्ट ड्रॉप लोड उतना ही सपोर्ट ले पाए। वरना M9 पे पेड़ की कैनोपी जब तक आप तैयार नहीं कर पाए, उसके आपने पहले ही सेब ले लिया तो आपकी पेड़ ही नहीं बढ़ा सकता। ये सारी चीजें हमने 23 साली से प्लान दिया उसमें। और M9 क्या जी, कोई भी आप पेड़ बनाते हैं ना जी, मेरा अपना मानना है जब तक आपने उसकी 70% कैनोपी, जो उसका दायरा आपने उसको जगह जितनी दी हुई है ना जी, उसका 70% जब तक आपने नहीं ले लिया ना जी, तब तक उसको बघाओ। जब वो एक बार 70% पे पहुंच गया ना जी, फिर उससे आप फसल लेनी शुरू करो फुल, क्योंकि उसके बाद वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। जल्दी कर दिया हमने थोड़ा, क्योंकि उसके बाद उसकी आप कैनोपी बना कम है, उसमें 2-3 पेटी वो आप कैनोपी एक बनाना हर पेड़ की, उस पे भी साइज की प्रॉब्लम आ रही है, उतना खास नहीं बढ़ पा रहा। किसमें? 106 पे। अच्छा, मेरे पास है 101 प्लांट में। 106 अच्छा रूट स्टॉक है जी, बहुत अच्छा, प्रोडक्टिव बहुत है, बहुत फसल लग रही है। 7 में यूरिया फिट ज्यादा है, 7 तो रेजिस्टेंट है नहीं ना यूरिया, 111 mm वाली जो है ना इसमें यूरिया फिट नहीं लगता। उसमें तो रूट सकर्स की प्रॉब्लम है, उसमें सकर्स बहुत निकलते हैं, बाकी फ्रूट क्वालिटी के लिए M7 बहुत अच्छा रूट स्टॉक है, बहुत अच्छा। उसको तो इंटरस्टॉक, हमने तो कुछ इंटरस्टॉक भी किया है, सीडलिंग पे M7 लगा के ऊपर से फिर वेराइटी लगाई ताकि वो फ्रूटिंग करेक्टर उसका आ जाए, थोड़ा कंट्रोल भी हो जाए। लगा तो मैंने भी उस पर भी सैंपल नहीं आया करो सर शुरू। चलो नमस्कार जी, जी आई जेट की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो है ट्रेनिंग प्रूनिंग के ऊपर, जिसके रिगार्डिंग मोहित नायक जी हमारे आज एक्सपर्ट है। ट्रेनिंग आप लोग मैक्सिमम जानते ही होंगे, आज तक मैक्सिमम हम लोगों ने नहीं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से ही जाना, आज पहली बार मौका मिला है आमने सामने। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं जी आई जेट की देना चाहूँगा। एक्चुअली 2 सालों से तो हम मीटिंग्स यहाँ पे कैंप्स लगवा ही रहे हैं, न्यूट्रिशन के भी लगवाए हैं, पास्टर जी के साथ भी लगवाया हमने, और भी एक दो कैंप्स हमने यहाँ पे पहले भी ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन शायद कुछ लोग यहाँ पे जो पहली बार आए हैं आज इस मीटिंग में। तो GIZ एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में पिछले 5 सालों से एक प्रोजेक्ट चल रहा है जर्मन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ओनली अवेयरनेस के रिगार्डिंग हिमाचल में एप्पल के ऊपर काम कर रही है, ताकि जो हमारे हिमाचल में समस्या है प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी की, क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्शन देखी जाए यहाँ पे तो 6-7 के आसपास बताई जाती है, लेकिन फॉरनर्स की बात करो तो 20 से लेकर 50-60 तक मेट्रिक टन पर हेक्टेयर की उनकी जो प्रोडक्टिविटी है। लेकिन जो हम लोग हैं इतने पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि हमारे कुछ 5-6 जो मेन रीज़न है जिसकी जो हमारी क्वालिटी और प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, हमें उनमें थोड़े से सुधार लाने की ज़रूरत है। उसी में ही ट्रेनिंग प्रूनिंग सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एक अगर आपका ट्रेनिंग प्रूनिंग सही नहीं है तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों इफेक्ट होंगे, उसके साथ आपका पॉलिनेशन और न्यूट्रिशन, ये दो भी, प्रूनिंग और न्यूट्रिशन और पॉलिनेशन एक दूसरे के पहलू कह सकते हैं, कि अगर एक चीज़ भी आपकी ख़राब है तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपकी प्रूनिंग अच्छी है, पॉलिनेशन नहीं है, तभी आप आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। न्यूट्रिशन आपका इंबैलेंस है, तभी आपकी क्वालिटी या प्रोडक्शन सारी चीज़ें आपकी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से आपने उस पर मेहनत की है। उसके बाद रहता है जी प्लांट प्रोटेक्शन। हमारे ऑर्चर्ड में आज की डेट में बहुत सारी बीमारियाँ आने लग चुकी है, जैसे माइट्स होगी, अल्टरनेरिया हो गया, मार्सोनिना हो गया, अभी कहीं ना कहीं लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, पहचान भी नहीं है। मोस्टली जैसे माइट्स कई बार ज़्यादा दिखती है तो लोग कई बार ऐसी स्प्रे कर लेते हैं जो कि अंडों को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन अडल्ट उससे मरते नहीं है, या फिर आपके अभी पहले आपके अडल्ट एक दो दिख रहा है, आप अडल्ट के लिए स्प्रे करते हो लेकिन उससे अंडे मरेंगे नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अपने आप को एजुकेट करना है, ताकि आप जब दवाई लेने जाओ तो आप खुद से बोल पाओ कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। अगर आप दुकानदार के भरोसे रहोगे तो वो तो आपको वो चीज़ देगा जिसमें उसका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, या मे भी कई बार ऐसा हो जाता है आप बोलोगे जी मेरी पत्तियाँ पीली पीली दिख रही है,
तो मैं भी उसको वो तो इमेजिन करेगा कि मार्सोलिना है या कोई पोस्ट रिगार्डिंग आपको जो दवाइयाँ देगा, लेकिन आपके ऑर्चर्ड में क्या पता कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, मे भी माइट की प्रॉब्लम हो, माइट की वजह से भी आपका ब्राउनी सी दिखनी शुरू हो जाती है कई बार पत्तियाँ। तो इस तरह से हमें अपने आप को एजुकेट करना, तो एक रहता है हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट कि हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, केमिकल के साथ हम डील कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ना हम मास्क पहनते हैं ना ग्लव्स पहनते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हम अपने साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हम मेहनत तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सारी 5-6 पहलू है जिसपे ZIZ यहाँ पे काम कर रही है पिछले 5-6 साल से, ताकि हमारे फार्मर्स एजुकेट होकर अपने हिसाब से काम कर सके। जैसे अभी आज की डेट में जैसे प्रूनिंग का समय है, तो मोस्टली बहुत रेयर लोग ये जो खुद अपने ऑर्चर्ड में प्रूनिंग करते हैं, मोस्टली हम लेबर पे ही डिपेंड है। तो लेबर पे अगर आप डिपेंड हो, तो अगर आप खुद लेबर को बताओगे कि मुझे इस तरह की प्रूनिंग करनी है, अगर आपको खुद नॉलेज होगी तभी आप लेबर से भी अच्छा काम करवा पाओगे। अगर आप लेबर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो हमारे लेबर भी हमारी तरह ही है कि कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो भी बस काट रहे हैं, उनके ये पता नहीं है कि क्यों काट रहे हैं, उनको बस यही पता है कि हमने ख़त्म करना है ये बगीचा। तो जब आप खुद एजुकेट होगे तभी आप अपनी लेबर को भी आगे बता पाओगे कि मुझे प्रूनिंग करनी है तो ऐसे करनी है। तो आज का फिर सेशन शुरू करते हैं मोहित धर्मेक जी, तो आज का सेशन प्लीज़। मैं मोहित धर्मेक, ZIZ के साथ आज हम प्रूनिंग कैंप में आप लोगों के बीच आए हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही से बागवान हूँ। मेरा जो प्रूनिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं पंकज नेगी जी के साथ, मैं शुरू से ही मेरी बागवानी ही उन्हीं के साथ शुरू हुई है। एप्पल का ये उन्होंने ही मुझे सिखाया और 14-15 साल से मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। उन्हीं की टेक्निक्स को कैसे हमने अपने बगीचे पे अप्लाई किया है, उसकी जो भी बारीकियाँ है जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, वो चीज़ें मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगा। उसमें जो आपके डाउट्स होंगे आप उससे पूछ सकते हैं कि हम लोगों की जो टेक्निक है प्रूनिंग की, कि उसमें पहला जो हमारा टारगेट रहता है प्रूनिंग का वो है कि हमारा जो पेड़ है अगर इसकी कैनोपी पूरी बन चुकी है तो इसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे पाया जाए, क्योंकि पहला काम है प्रोडक्शन। आप अपने पेड़ को पूरी प्रोडक्शन की तरफ कैसे लेके जाएंगे, आप उसमें बीमा कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों में क्या हम देखते हैं कि पेड़ तो बना है 15 पेटी का पर उसमें 5 पेटी भी नहीं ले पा रहा है आदमी, वो भी 5 पेटी एक साल लेता है दूसरे साल नहीं ले पाता है। तो वो पहला स्टेप जो है उसके लिए वो है बीमा तैयार करना। वो बीमा कैसे तैयार करना है, धूप को हमने कैसे अंदर पहुंचाना है, ये सारी जो चीज़ है ये प्रूनिंग आपको सिखाती है। तो हम कोई भी टहना पकड़ के चलते हैं जी, तो हमारी जो टेक्निक है प्रूनिंग की, हम वहाँ से अगर इस टहने को हम लेके चल रहे हैं जी, हम फोकस करते हैं कि हमारा जो लीडर है वहीं से हमारे टहने हैं, पर पुराने पेड़ों पर हम इस तरह से टहनों को एक इस पे नहीं ला सकते, एक ही ब्रांच पे नहीं समेट सकते हैं, क्योंकि हमारे पुरानी टहनियाँ जो साइडों में साइड ब्रांचेस बहुत निकल चुकी है, तो इसको हम बहुत मोटे कट से पीछे नहीं कर सकते। तो अभी हमने क्या करना है, एक डायरेक्शन का एक टहना लेना है। जैसे मैं इस डायरेक्शन का ये टहना ले रहा हूँ, अभी मेरे को सिर्फ इस टहने को चलाना है, इस टहने में मुझे यहाँ पे ग्रोथ चाहिए, बाकी मुझे इन टहनों में ग्रोथ नहीं चाहिए। इन टहनों में आप देखिए, आप इसको बढ़ा रहे हैं, इसमें सेब लगा, ये इसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर आया, तो इसने इसको धूप ही नहीं पहुंचने दिया नीचे। अगर इसमें धूप नीचे तक आ रही होती, जिस बीमे ने आपको इस साल सेब दिया है ना जी, वही बीमा आपको अगली साल भी सेब देगा। वो कब, जब उसको धूप मिलेगी। तो वो धूप आपने कैसे पहुंचानी है वो आपकी प्रूनिंग है। और ये जो प्रूनिंग है आपकी एक साल की नहीं, आपकी 2 साल के लिए चलेगी, कि इस साल का बीमा तो सबको दिख रहा है कि इस साल का बीमा ये है जी, ये मेरे को फसल देगा, अगली साल का बीमा कैसे बनेगा वो आपकी प्रूनिंग है जी। तो हमने क्या करना है जी, जो आपकी प्रूनिंग है ये पुराने ढूंढ, आपने सिर्फ इस पॉइंट पे ग्रोथ लेनी है जी, यहाँ पे इस टहने में जी, तो इसको आपने टॉप करना है। बाकी इस साल जैसे आपकी यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ इसमें इस साल बहुत फसल लगी हुई है, अगली साल के लिए आपके पास कौन सा बीमा बना है। ये पेड़ का नेचुरल प्रोसेस है कि एक साल ये अंदर वाले बीमों में सेब लगता है, दूसरी साल बाहर के बीमे में सेब लगता है। वो बाहर का बीमा कौन सा होता है जी, बाहर का बीमा होता है जो पिंस निकलती है जी, ये पिंस निकलती है, ये इस साल आपने नहीं काटनी। हमारी कोशिश है कि हमने इस मेन टहनी के नज़दीक में बीमा लाना है, हमने इन सब टहनियों को पीछे करना है, हम इसको इस तरह से पीछे करेंगे। पर आपके पास इस साल कितनी ऐसी टहनियाँ हैं जहाँ आप उसको पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इस साल की फसल आपने पहले देखनी है। तो इस साल की फसल के लिए आपके पास जितनी पिंस है ना जी 8-10 इंच तक की, वो सब छोड़ देनी है जी, ये वाली
ट्रिम नहीं करना है। हाँ जी, इसको आपने टॉप नहीं करना है। प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग रास्ता है जी। न्यूट्रिशन चला, आपने कहाँ कट लगाया वो कट डिसाइड करेगा कि वो न्यूट्रिशन कहाँ जा रहा है जो हमने खुराक पूरी साल दी। आपने यहाँ कट लगाया तो इसके पास रास्ता बन गया सेब का, यहाँ से ग्रोथ करेगा जी। अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ कट लगाया तो इसके पास रास्ता नहीं है ग्रोथ करने का जी। तो वो खुराक जब चलेगी ना जी तो कहाँ आएगी? इस बीमे में आएगी। यहाँ जो सेब लगा होगा उसमें जाएगी, यहीं पर नया जो बीमा बन रहा होगा उसको मिलेगी, वापस चली जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ से टॉप करूंगा तो वो क्या होगा जी, वो यहाँ से ग्रोथ में चला जाएगा, यहाँ का जो बीमा होगा मजबूत बनेगा ही। तो इसीलिए ये वाली ग्रोथ हमने साइड वाली बंद करनी है, इनको पीछे पीछे लाना है जी, इस तरह से इसको भी पीछे लाना है। पर इस साल इसीलिए हम ज्यादा पीछे नहीं लाएंगे क्योंकि इसमें नए बीमे कम बने हुए हैं जी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पिंस छोड़नी है। तो और ये देखो जी, ये रिंग करके अगले साल का बीमा तैयार होगा, ये वाले आपके इस साल के बीमे होंगे। इस साल आप कितनी पिंस छोड़ सकते हैं उतनी, 40-50% जो हमारी क्रॉप है वो इन पिंस में आती है जी, अगर आपके लीफ फॉल ना हुआ हो। 12 इंच का बीमा हुआ है तो 8-10-12 इंच तक आप छोड़ सकते हैं जी। 12 इंच तक? हाँ जी। हाँ, नॉर्मली तो जब आपके पास अच्छा बीमा हो तो 6-8 इंच की पिन छोड़नी चाहिए जी। जब आपको लगे कि मेरी ऑफ ईयर है अगली साल, तो आप 10-12 इंच तक की टहनियाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि इनमें टिप्स में कहीं ना कहीं आपको सेब आएगा या, क्योंकि ये नई है, इसकी खुराक नहीं खाई हुई किसी ने। खुराक किसकी खाई होती है? जहाँ सेब लगा होता है जी, उसके साथ की बीमे की खुराक उस सेब ने ले ली है, तो वो बीमा उतना मजबूत नहीं बन पाता। तो इस साल आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा पिन ऐसी ऐसी पिन को छोड़ना है, आपने बहुत ज्यादा पीछे नहीं आना है, वरना आपके बीमा अच्छा होता ना जी तो हम इसको यहाँ यहाँ तक पीछे ले आ देते काट के। पर इस साल आपने ज्यादा छेड़छाड़ इसमें नहीं करनी है, आपने पिंस पिन को पीछे लाना है बस। ज्यादा ये वाली जो पिंस है आपकी, आपने इनको छोड़ना है ऐसी जी। ये वाली जो पिंस है इसमें यहाँ बना हुआ है तो उसको आप यहाँ काट सकते हैं। ये 2 साल की है ना जी, 1 साल की यहाँ थी, ये दूसरी साल की टहनी आ गई थी, इसको बीमे से काट। अगर ये 1 साल की होती तो मैं इसको बीमे से नहीं काटता। 1 साल के बीमे पे अगर आप काटोगे बीमे से तो वो ग्रोथ में चला जाएगा फिर से जी। तो 2 साल की टहनियों पे अगर आप बीमे से काटेंगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये आपने इसको ऐसे ऐसे लेके चलना है, बाकी इसमें आपने थोड़ी सी छंटाई करनी है ताकि अगले साल के लिए भी झाड़ कम हो। नहीं सर, रिंग कट कहाँ पे लगना चाहिए? रिंग के ऊपर की नीचे? रिंग से बीच में लगे या ऊपर लगे? नीचे ना लगे, बीच में या ऊपर। ये देखो ना जी, ये रिंग है, ये रिंग ही रिंग है इसमें, ये रिंग है, ये रिंग है, यहाँ रिंग। रिंग के बीचों बीच काट दिया तो बहुत बढ़िया जी, रिंग के नीचे से काटूंगा फिर तो रिंग रहा ही नहीं, रिंग तो उड़ा दिया हमने। जैसे ये सर ना यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी, इसके ऊपर ये तो क्लस्टर हो गया ना जी। ये हम मानते हैं रिंग ये वाले जी, ये बने हुए बीमे में जो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो रिंग है ना जी, ये रिंग है, ये जो होता है ये है क्लस्टर जी, है ना जी। ये तो वहां से जहाँ आपने कट मारा उसकी साइड से ब्रांच निकली, ये क्लस्टर है। इसको मार के भी क्यों, आप देख रहे होंगे कुछ लोग कर रहे हैं, इसको मार के भी क्यों फायदा मिलता है? क्योंकि इसमें भी ये देखो नीचे को, इसमें भी बंद आंखें हैं अंदर जी। आप इस पे कट करेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं बीमा फटेगा। मोस्टली जो टहनी में आती है ना, जो ऑन टॉप छोड़ी, हाँ जी, की बात ये है रिंग, यही रिंग के आप बीच से काटो या थोड़ा ऊपर से काटो, रिंग के नीचे से नहीं काटो, ग्रोथ नहीं करेगा, नहीं करेगा ये, यहाँ से बीमे छोड़ेगा। अगर आपके फसल कम है तो साल क्या होता है, लोग रिंग कट काटते हैं उसमें टहनियां निकलती है 3, पर वो बहुत बड़ी नहीं होगी। तो उस साल आपने क्या करना, वो 3 टहनियां निकलेगी उसमें सबसे जो छोटी सबसे वीक जो ब्रांच होगी उस ब्रांच को छोड़ना है, 2 निकाल देनी है। ठीक है सर। उसके बाद वो कभी ग्रोथ नहीं करेगा, वो बीमे ही बीमे बनाएगा। जैसे ये है ना यहाँ पर, हाँ जी हाँ जी, ये कहाँ से उड़ाना चाहिए क्या ये? इसमें जी आपने देखना है इस साल ना जी, कि इस साल को मेरे कितने बीमे मैंने रखने। इसमें देखो जी, यहाँ बीमा, यहाँ बीमा, यहाँ बीमा, यहाँ आपने देखना है इसमें मेरे पास मजबूत बीमे कितने। तो वरना बाकी क्या करना, इसमें रिंग ही रिंग होते बने, ये देखो ना जी, इसमें इसको मैं यहाँ से काट दूंगा, इसको यहाँ से काट दूंगा, ये मेरे को इस साल के लिए हो गए जी, ये अगली साल के लिए हो गए। इस तरह रोटेट करना आपने। जब एक बार आपके बीमे भर गए ना जी, आपने सिर्फ इतनी छंटाई करनी है बीमों की कि वो फसल भी लगे और अगली साल का बीमा भी बने। वो सारे बीमे नहीं छोड़ने क्योंकि फिर वो सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसी टहनी के लिए अगर इसमें 6 बीमे होंगे तो क्या फसल लगेगी, क्या फ्रूट बनेगा जी, क्या अगले साल का बीमा बनेगा। तो ये आपने रोटेट करना है पेड़ में कि कितना बीमा मेरे को इस साल के लिए रखना है, कितना अगले साल के लिए। अब जैसे ये है जी, यहाँ हम इसको रिंग से काट देते हैं, ये अगले साल के लिए बनेगा, ये इस साल का हो गया, है ना जी, ये इस साल का हो गया जी। इसी तरह से आपने पूरे पेड़ पे इसी तरह रोटेट करते रहना है जिसको। एक साल में तैयार हो जाता है इसमें जो रिंग है, जो रिंग है इसमें एक ही साल में 2-3 बीमे आपको देखने को मिल जाएंगे। रिंग
और ये कभी ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है सर। हाँ अगले साल के लिए फ्रूट लेंगे और इसको रिंग कर देंगे जो इस साल तो बीन तैयार हो। अगले साल यहाँ भी मैं निकल के अगले साल आप यहाँ रिंग कर सकते हैं। ठीक है सर। रोटेट ये हमेशा यहीं चलते रहेंगे, हर ईयर चेंज करना। जब आप अभी में तैयार हो जाएंगे आपके पास सिर्फ एक ही काम होगा जी, रिंग मारना। अभी हमारे प्रूनिंग की ये हालत है, अगर जहाँ मान के चलो 90 दिहाड़ी लगती थी 50 में आ गई जी, क्यों काम क्या रहेगा? रिंग 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 ग्रोथ तो रखी नहीं अंदर। ग्रोथ कहाँ चाहिए? बाकी बड़े पेड़ में तो सिर्फ आपने रोटेट करना है बीमा जी। और दूसरा की टहना हमारी धूप कौन रोक रहा है, वो टहना निकालना है सर। पीछे से निकालो उसको, थोड़ा छोटा करो, बस वो आपने देखना है जी की धूप पहुंचे। धूप पहुंचेगी तो यही बीमा जो आपको सेव दे रहा है ये भी अगले साल सेव देगा, क्योंकि उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। ये पीने क्यों छोड़नी पड़ती है हमारे को डर के मारे, क्योंकि ये साल ही एग्जॉस्ट हो गया, पता नहीं ये देगा कि नहीं, ये पीने छोड़ देते हैं, इसमें आएगा। तो जब पूरी धूप मिल रही होगी तो वही बीमा भी आपको सेफ देगा, क्योंकि उसको धूप मिल रही है। चोटी में बीमा भी बनता है हर साल, सेफ भी लगता है, क्वालिटी भी बनती है सब, क्योंकि वहाँ धूप मिलती है। नीचे धूप क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने ये देखो ये भी टहना है, ये भी टहना है, ये भी टहना है, इसको धूप कहाँ मिलेगी? जब इसमें पत्तियाँ आएगी सोचो कितना झाड़ होगा इसकी। तो आपने इनको पीछे पीछे करना है। इस साल आपके बीमे की कमी है तब नहीं, वरना तो मैं इसको ऐसे काट देता जी। जी सर सही है, सही है। क्योंकि हम पहले क्या देखना है जी, फसल, इस साल की फसल देखनी है ना, जिससे रोजी रोटी चलनी है ना, बाकी चीजें उसके बाद है। इस साल आप इसमें फसल के लिए ये छोड़ सकते हैं क्योंकि अंदर वाला बीमा मरा है, बाकी उससे अगले साल जो आपकी प्रोनिंग है आप फिर उसमें, क्योंकि अगले साल आपके अंदर वाले बीमे बहुत मजबूत हो जाएंगे, अगले साल आप इसमें पीछे लाओ और इसको 10 इंच में ही दायरे में ले जाना हमने पीछे पीछे, इसको भी यहाँ ले आएंगे, इसको धीरे धीरे करके, एक साल में जरूरी नहीं आना है जी, बीमे देख के धीरे धीरे यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसको भी यहाँ से काटो पहले साल, फिर दूसरे साल यहाँ से काटा, इसको भी धीरे धीरे करके पीछे पीछे को लाओ, जो तो अंदर जा रहा ना जी दूसरे की तरफ, वो तो सहना काट देना है बिल्कुल, ताकि वो धूप ना रोके अंदर की। ये देखो जी यहाँ ये बीमा रख दिया, ये उड़ा दिया, एक रख दिया दूसरा उड़ा दिया, ताकि रोटेशन बना रहे, ये टहने नहीं रखने दी जी, ऐसे ही चलाना है इसको रोटेशन, ताकि मेन आपका ग्रो करता रहे, बाकी टहनियां पीछे, ये पीछे हो जाएगी, ये पीछे हो जाएगी, ये भी पीछे होगी, ये चलेगी। अब देखो ना ये चली ना, इसने लीडर खत्म कर दी, तीनों चल पड़ी ना, है ना जी, ये मेन है, ये चलनी चाहिए थी, ये रहेगी पतली होगी मोटी, मेन तो ये बनेगी इसमें, क्योंकि खुराक तो ये खा रही, ये तो इसे ऊपर चलेगी, वैसे ये पीछे होनी चाहिए, ये चलेगी आगे ग्रोथ करेगी, तो इसको काट के नीचे लाना पड़ेगा थोड़ा। तो इस साल तो इसको पिन पुन पे लाओ ना जी कहीं, ताकि ये फसल ना मरे हमारी इस साल की। ये देखो जी यहाँ से रिंग लगा, ये अगले साल को देगा, इस साल के लिए वाले बीमे काम करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है जी। बाकी आपने ग्रोथ, और जी दूसरी बात, आपका टहना जा रहा ना जिस डायरेक्शन में जी, इसको ऐसे काट के सीधा नहीं करना ऊपर, उसी डायरेक्शन में जाने देना, सीधा ही जाने देना। जो इसका हमारे को क्या लगता है बाहर हो गया, इनको बंद करते हैं जी यहाँ से, फिर वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होके सेब लगेंगे ये टूट जाएगा, टूट जाएगा। तो इसने आपने जब भी इसकी ग्रोथ को रोकना भी है तो उसी डायरेक्शन की टहनी पे डालना है जो इसकी है डायरेक्शन बाहर की, क्योंकि सेब को आप जितना इधर उधर मोड़ेंगे ना जी, पानी ये जा रहा है सीधा, जितनी हम यूं यूं नालियां बनाएंगे ना जी उसकी, उतनी मुश्किल होगी उसको वहाँ पहुँचने में। जैसे सर ये आप बोल रहे हैं ना, इसको पीछे से भी काट सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर इसमें बीमा निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, जितना पीछे काटेगा। आप ये कह रहे जी सेब क्या है, सेब पानी के साथ फ्लो करता है, पिस्टन की तरह काम करता है, जैसे गाड़ी में पिस्टन काम जी, जी। उसी तरह काम करता है, जाता है वापस आता है। तो आपने जब इसको बंद कर दिया ना जी, मान के चलो मैंने इसको काट दिया, कहीं से इस साल हम थोड़ा कम काटते हैं ना, चलो ठीक है ना, जब हमने यहाँ से काटा जी, अब वो यहाँ आया, हमने यहाँ इसको ग्रोथ का रास्ता नहीं दिया, ठीक है। अगर मैंने हेड बैक की होती ना आगे से किसी टहनी पे, तो वो वहां से बाहर निकलनी थी ग्रोथ, तो सैप यहाँ से गया और वहां से उसने ग्रोथ की तरफ उसको जोर मारा, अगली बार फिर से सैप आया उसने फिर जोर मारा, उसने और ग्रोथ की, तो हमने उसका ग्रोथ बंद कर दीजिए। वो बीमों पे गया, यहाँ गया, वो सेब लगा है, उस बीमे को देगा खुराक, सेब को खुराक देगा, अगली साल के बीमे को वापस आएगा, इधर से सैप जब चल रहा है इसमें, जहां इसमें बंद आंखें हैं ना जैसे, ये सब फटनी शुरू होगी, ठीक है। जितनी ये फटेगी, जितने हम इसके नजदीक आएंगे उतनी आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। आ सकते हैं सर, तो आ सकते हैं, बिल्कुल लगेगा। अगर इसमें आपके लीफ फॉल नहीं हुआ है ना, लीफ फॉल नहीं हुआ मेरे को इतना ही, अगर पतझड़ नहीं लगा, अगर इंग्लैंड वाले अगर पतझड़ नहीं हुआ था, सेब तोड़ने से पहले सेब तो
पतियों का ये हो गया रिंग हमारे अगले साल के, इसमें भी फटेगी नहीं? बिल्कुल फटेंगे जी, बिल्कुल फटेंगे जी। रिंग भी तो हम इसीलिए करते हैं ना जी, क्योंकि रिंग को क्यों काटते बीच से ताकि वो रुके, या रिंग फॉर्मेशन इसमें हुई है, ये ग्रोथ किया नहीं यहाँ से, इसमें इधर इधर से ये वाली आंखें ये नेचुरली रिंग बन गया जी, है ना जी, अपने आप इसकी ग्रोथ रुक गई, यहाँ से बीमा इसमें फटेंगे। ये आपको अगले साल का बीमा पूरा देगा, ऐसी टेन ये देखो इस पे जा रही है तो पीछे तो पूरा ही जाएगा, वरना ये जैसे जा रही थी जी इसकी सब रोकनी है जी ग्रोथ, ठीक है सर। इनकी इनकी ग्रोथ चाहिए नहीं है, ये तो मैं कम तीस ले काट रहा हूँ, वरना मैं यहाँ आता जी सर, हम ताकि इस बार की फसल ना मरे जी। सब शुरुआत में पिन पे आ जाओ पहले, हाँ जी हाँ जी, पहले शुरुआत में पिन पे ले आओ, हाँ छोटी पतली ग्रोथ पे धीरे धीरे करके। ग्रोथ रोकने के तीन चार रास्ते होते जी, या तो अन टॉप छोड़ दो, हाँ जी काटो ही नहीं, अपने आप ग्रोथ रुकी, या रिंग कट कर लो, एक ये बोलते सर पतली टहनी पे डाल दो, सीधा कट मारो तो रुक जाएगी, टेढ़ा मारो तो चलेगी, क्या मतलब उसका क्या है? उसका तो नहीं बोलते जैसे, हाँ हाँ वो तो जब ज्यादा ग्रोथ जारी होती है ना वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क तो नहीं पड़ता, पर आप मैंने आपको बोला रिंग कट मार दो जी, या अनटॉप छोड़ दो, या दो साल की टहनी पे बीमे पे काट दो, या कमजोर टहनी पे छोड़ दो, मतलब सीधे का कोई नहीं, जैसे इसकी वीक टहनी है मतलब थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रेशर डालता है ऊपर, हां जी थोड़ी कम होगी, हां जी थोड़ी सी कम होगी, पर ऐसा नहीं है कि रुक जाए, सीधा कट मारना सही है सर, ऐसे सीधा कट मारना सही है, जैसे सीधा वो तब अगर आप नीचे प्रेशर डालना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो थोड़े टाइम के लिए प्रेशर रहेगा, उसके बाद तो फिर वो भागेगा, ठीक है ठीक है, क्योंकि उसने ग्रोथ करनी है, आंख तो उसके साइड में जो है, हाँ उसने तो ऊपर ही भागना है, आंख तो कहीं ना कहीं से निकले, तो निकलेगी है ना, वो तो ग्रोथ करेगी, उसमें तीन चार हो जाती है फिर एक साथ से, वो प्रेशर डालेगी उसको, पहली बार जब स्टेप चलेगा ना जो, तो उसको प्रेशर डालेगी वहां से, वो जोर मारेगी नीचे की टहनियों को फाड़ देगी, उसके बाद तो वो ग्रोथ करेगी। तो इसी तरह जी, इसी तरह आपने जी ये टहनियों को थोड़ा थोड़ा इस साल पीछे करो जी ना, इनकी बात तो सही है, देखो कितना खाली कहना है ना जी, खाली है। अब ये बीमा जो आपको यहाँ चाहिए ना जी, जी सर ये यहाँ नहीं चाहिए, अगर ये यहाँ होता ना जी तो आपकी फ्रूट क्वालिटी और बेहतर होती, नजदीक पड़ जाता ना, बिल्कुल न्यूट्रिशन वो जल्दी ले लेगा, बिल्कुल वो इसके नजदीक में जितना होगा ना जी, सबसे ज्यादा क्वालिटी फ्रूट की वही बनेगी, क्योंकि उसको सबसे पहले खाना बनना है। इसका क्या कारण होगा जी, आगे लेगी ना, ग्रोथ आगे ले रही है ना, इसमें टॉप ही कर रहे हैं हर साल, हर साल ये कर रहे हैं, टॉप ही कर रहे हैं, आपने किस में हेड में, तो ये ग्रोथ वो ही सैप वाला बोल रहा हूं जी, सैप तो गया यहां से बाहर ग्रोथ की तरफ, तो पीछे जोर नहीं मारा था जी, अगर आप इसको रोकते बीमा कहीं ऐसे कर देते इसको ग्रोथ बंद करते तो ये जोर मार देते, ये आंखें खुलती नहीं, ये आपको बेहतर क्वालिटी का सेब देते, तनवे एक ही पेड़ में जी, एक ही टहनी में लार्ज का दाना भी होता है, सिक्स लेयर का भी होता है, इतना फर्क कैसे आता है? फर्स्ट फ्लोरिंग और थर्ड फ्लोरिंग ये तो हम मान सकते हैं, इसमें 15-20 दिन का फर्क हुआ जी, उसमें साइज में फर्क आएगा, पर इतना आएगा कि एक लार्ज बनेगा एक स्मॉल बनेगा, इतना नहीं आ सकता कि एक लार्ज बने और एक सिक्स लेयर बने। हर पेड़ में आपको बने बड़े दाने भी मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? आपने स्प्रे तो सारी एक ही की, उसमें खाद भी एक ही डाली पेड़ में, सब में सेम ही डाला नहीं, तो वो वैसा क्यों बना, एक बड़ा बन गया बहुत एक छोटा बन गया, वो बीमों का फर्क है, वो बीमा कहाँ पर है वो जज करना होता आपने उस टाइम पे, जब आप सेब तोड़ते हैं ना हार्वेस्टिंग के टाइम पे, आपने वो देखना होता वो बड़े दाने थे वो कहाँ पर थे, उसको आप किसी तरह मार्क करो, धागा बांधो, पेंट लगाओ, हर पेड़ में दो दो तीन तीन जगह ऐसे करो, 10 पेड़ चुन लो उसको मार्क कर दो जी, उस टाइम हमारे को जजमेंट नहीं होगी, वो जजमेंट कब होगी? सर्दी में, इस टाइम पे हम देखेंगे ना जी वो रंग लगाया है, तो फिर मैं देखूंगा क्या रंग लगाया था, ये बीमा था वो जिसमें बड़ा सेब, तो वो जो बीमा था वो छांटना है हमने कि ये बीमा कौन सा है, और वही बीमे हमने कोशिश करनी है इसमें बनाने की, पेड़ में ये वाले बीमे हो, और वो बीमे आप जब भी देखेंगे ना जी वो नजदीक वाले, क्योंकि इसको हाँ क्योंकि इसको खुराक सबसे पहले मिल रही है ना जी, इस बीमे को खुराक मिल रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर आगे 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 तो लास्ट, यहाँ तक तो लास्ट है, और आपने खुराक कितनी दी है वो उस पर डिपेंड करता है, मौसम कितना बरसा है, मॉइस्चर कितना है, क्योंकि मॉइस्चर के साथ खुराक चलेगी वो उस पर डिपेंड करता है सारी, बाकी स्प्रे तो आप सारे यहाँ भी वही कर रहे हैं, यहाँ भी वही कर रहे हैं, वहाँ भी वही कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, तो इसीलिए आप इसके जितने नजदीक आएंगे हमारी कोशिश है आपको यहाँ लाने की, ऐसे जी ये आपने धीरे 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 पीछे आना जी, यहाँ पहुँचना आपने, सिर्फ इस साल हम आपको इसलिए क्यों ज्यादा नहीं काट रहे क्योंकि फसल भी लेनी है आपकी, इस बार अंदर बहुत फसल लगी हुई, कोई बीमा ही खाली नहीं है, तो इसलिए हम इस बार बहुत काटेंगे तो फसल मर जाएगी इस साल, बाकी धीरे धीरे आना आपने यहाँ पे जी, ये टहनी भी ऐसी होगी, ये टहनी भी यहाँ होगी, वो भी वहाँ होगी, टॉप वाली चलेगी बस,
उसी पे फोकस करना है जी। उसके बाद आप जब भी देखेंगे ना जी, हैवी क्रॉप होने के बाद भी ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरे अगले साल का बीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पूरी धूप मिल रही होगी, और धूप जितनी आपकी 5 स्प्रे नहीं करती न्यूट्रेंट का काम, उससे ज्यादा काम धूप कर लेंगे, और वो फ्री की है। वो आप जितनी अंदर पेड़ में पहुंचा सकते हैं उतना आपको फायदा मिलेगा, आपकी आधी स्प्रे आधी बीमारियां, फंगस खत्म हो जाएगा, पतझड़ खत्म हो जाएगा, क्योंकि धूप पहुंच रही है। हम पैसे कब कमाएंगे जी? जब हमारे 100 में से 80 पेटी ए ग्रेड की होगी। आज हालत ये है 40 पेटी सुपर है, सवा नंबर निकाल दीजिए 30 पेटी सी ग्रेड निकल गया, और बी और सी बहुत है क्योंकि कलरलेस है। कलरलेस क्यों? क्योंकि वहां धूप नहीं पहुंच रही, बाकी वैरायटी में फर्क नहीं आया जी। सही है। रॉयल तो चोटी में तो बढ़िया बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, कलम तो एक ही लगी हुई है। साइज की प्रॉब्लम तो सारे किस्म मेरे पास तो होगी, 400 जो छोटा वाले नहीं, जो ए ए ए क्या है, ये तो टूटा है, जुड़ गया जी। अब ये तो टूटा था, जुड़ गया इसने, तो इसमें तो सेब लगेगा ना? इसमें लगेगा जी सेब, इसमें लगा हुआ भी है और भी लगेगा जी। क्यों सर? हाँ जी, टेन का फांस ला कितना चाहिए से? यहाँ एक मिनट, यहाँ बीमा क्यों बन रहा है? ये जो बीमा बना यहाँ फांस ला, रुको है ना यहाँ पे टहनी के ऊपर, टहनी का जी आप कैसे बोल रहे हैं कि इस टहनी के ऊपर कितना फांस ला चाहिए? बड़े पेड़ों में जी ऊपर लटे ना, इससे नीचे नहीं चाहिए जी। अब इसके बीच के जो टहन है ना जी, ये वाले ये सब आपने निकालने पीछे करने, हाँ जी इसको आपने पीछे करना है, क्योंकि ये टहना बढ़ेगा ना जी तो इसको छाया करेगा, इस तो वो छाया नहीं करने देनी आपने। तो अगर मैं एक टहना काटता हूँ जी, कि हम कैसे प्रूनिंग करते हैं, मैं एक पूरा टहना काटता हूँ उससे जी कितना नुकसान होता है, पर आप देखो उसको किस टहने का क्या बनता है, ठीक है ना जी? तभी तो हमारे, हाँ तभी आएगा जी। हाँ जी, ये बहुत टाइम मोटा हो गया ना टहना, इसको मैं बहुत पीछे नहीं ला सकता, इसको हम लाएंगे आप जी। सर मैं एक टहना आपको वैसा बनाता हूँ जैसे हम करते हैं, ठीक है सर? ये है जी हमारी प्रूनिंग। एट लास्ट हमने पेड़ को ऐसा बनाना है। अभी ये क्यों आपको खाली लग रहा है? क्योंकि ये वाले बीमे इसमें नहीं है। जब आपकी इसमें ऐसे ऐसे ही, ये देखो ना जी इधर ऐसे ऐसे वाटर, और जब भी जी ऐसा कोई वाटर शूट निकले जी, इसको कभी भी हेड बैग नहीं करना जी। जब आपने इसको हेड बैग किया, जो और जो आंखें खुलने की चांसेस तो वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ रास्ता बना दिया ग्रोथ को बाहर जाने, वो सैप आएगा यहाँ से, उसको आसान रास्ता मिलेगा ग्रोथ में जाएगा। इधर जो कोशिश करनी थी उसने सैप फाड़ने की, वो नहीं होगी जी। तो इसलिए इसको अनटॉप छोड़ना है पहली साल, तब दूसरी साल में आपके कहीं ना कहीं से अंदर से आंखें फटेगी। एट लास्ट हमने ये सारे टहने जी ऐसे बनाने हैं जी सर, ऊपर का भी ऐसा होगा तो अपने आप धूप नीचे तक आएगी। अब आप देखो जी, ये टहना और ये टहना, इसमें फर्क देखो जी, इसमें कितना झाड़ है, तो इसमें फ्रूट क्वालिटी कहाँ बनेगी जी? फ्रूट साइज कैसे बनेगा और अगले साल का बीमा कैसे बनेगा? ऐसा कभी भी नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि हमने ये टहने निकाल दिए, हमारे तो फसल कम हो जाएगी, क्रॉप लोड कम हो गया, हमारी तो पेटी की कैपेसिटी कम होगी पेड़ की, ऐसा नहीं है। वो कब करना है, इतना पीछे आपने कब आना है? दूसरी तीसरी साल में। ये तो मैंने आपको एकदम लाया ना जी पीछे जी सर, जब इधर फटने शुरू हो जाएंगे फिर अब धीरे धीरे पीछे पीछे आएंगे। बहुत मोटे टहने में एकदम पीछे नहीं जाना, शॉक लग जाता पेड़ को, दूसरा क्रॉप भी लेनी है। धीरे धीरे करके आपने पीछे आना है, और ये दायरा ऐसे बनाना 8-10 इंच का, उसमें भी ऐसी बनेगा 8-10 इंच का, हर टहन ऐसा बनेगा, ठीक है? बीमे का फांस लगना चाहिए, बीमे जी कम से कम 4-5 इंच, अगर आपने साइज लेना है ना जी, तो 4-5 इंच में आपको बीमा चाहिए। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ जी, जब बीमा बन जाता है ना जी पूरा, तभी उसकी छंटाई बहुत जरूरी हो जाती है, तभी वो छाटना पड़ता है कि ये बीमा मेरे इस साल को रहे, ये अगले साल को रहे, ज्यादा ना रहे, पीछे से नहीं काटना है, जैसे नहीं कटना है, वो रोटेट करते रहना है कि ये मैंने अगले साल का बीमा बनाया, ये मेरे साथ, बाद में आपके पास कोई काम नहीं होगा, सिर्फ बीमो की छंटाई होगी। और बीमो की छंटाई करनी है आपने क्योंकि आपको अगले साल का बीमा बनाना है, और इस साल जो फसल लगेगी उसमें तो आपका साइज बढ़िया है, उस हिसाब से आपने बीमे रखने हैं।
वो किसी का लालच किसी ने ज्यादा बीमे रखने होते हैं जी, है ना जी, इलाज भी तो वो कब वो तो तब लगता पता जब मार्केट जब भर रहे होते ना तब लगता पता सिक्स लेर ही हो गए तो और ये जाओ काटनी बस हमारे तो क्या होता है जी जिस साल बहुत सेब लगती है ना टॉप भी ऐसी होगी जी ग्रोथ ऊपर जो आपका मेन चलेगा वो चलता ही रहेगा तो नीचे से लेकर यही चलेगा यही चलेगा यही ब्रांच चलेगी सर ब्रांच आप जो भी पकड़ेंगे आप ब्रांच उसी के टॉप होगी वो ग्रोथ लेगा मेन पैटर्न यही चलेगा हां जी सेम पैटर्न ऐसे ही चलेगा जी सारा टॉप देखो ना टॉप कटिंग मतलब एक साल में कितना पीछे आ सकते हैं सर इस टहने में बीमा है ना भैया जी तो आप इतने इतने मोटे तक आ सकते हैं इतना रह सकते हैं एक इंच अगर इतना मोटे टहने अगर बीमा पूरा है बीमा इधर है ना बना नेक्स्ट ईयर उसमें जैसे आपने ये छोटा ये मेरे पैसे थे ना पर उसमें गोलियां बीमा तो यूँ आ गया नहीं बस वो बीमा छाड़ना अब आपने बीमा का लालच अब कम करके अब बीमा एक एक दो दो हम कैसे आ गए जी अब हमने क्या कर दिया अब मैं कहाँ आ गया जैसे एक बीमा यहाँ एक बस दो ही बीमा काटो दो ही बीमे यहाँ दो बीमे यहाँ दो बीमे यहाँ चार पांच रखे ही नहीं चार पांच रखेंगे फिर मेरे भी वही हाल हो जाएगा पहला काम क्या है जी बीमा भरना पेड़ में पेड़ को उसकी पूरी कैपेसिटी तक ले जाना है कि इतने फसल हमारे को ये दे सकते हैं उसका अगला काम है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना वो क्वालिटी को कैसे बढ़ाएंगे आप बीमों की छंटाई करके क्योंकि आपने बीमा भी बना दिया धूप का रास्ता भी बना दिया जी अब आपने क्या करना है अब आपने बीमों की छंटाई करनी है तब आप क्वालिटी की तरफ जाएंगे दो उड़ाओ या एक उड़ाओ एक में रिंग मारो दो रहने दो ऐसे रखो वो आपके पास कितना बीमा है अगले साल के लिए चाहिए आपने कितना रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितने सेब चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है मेरे को लगता है मेरे को बड़े साइज वाला सेब चाहिए तो मैं एक ही रखूंगा तो काट दूंगा आपको लगता है कि ठीक ठीक चाहिए यार एक बीमा अगले साल के लिए क्योंकि यहाँ क्या था जी पहले की जो प्रोनिंग थी ना जी बहुत जगह में हार्ड प्रोनिंग करते थे बहुत लोग उनका क्या था जी क्वालिटी चाहिए जी हमारे तो साइज नहीं बनता उस क्वालिटी के चक्कर में हम ऐसे ऐसे बगीचों में गए हैं ना जी उन पेड़ों से हम 15-15, 20-20 पेटी लेते हैं वो ले रहे हैं 6 पेटी 7 पेटी वो बोलते हमारे तो क्वालिटी है अरे 7 पेटी क्वालिटी वाली हो जाए और 20 पेटी भी ना क्वालिटी की हो कितना फर्क आएगा पैसे में बताओ जरा जी मेरे को पहली बात है इस पेड़ को उसकी कैपेसिटी पूरी जो उसका लेवल है ना जी कि इतनी फसल दे सकता है वहां तक पहुंचाना उसके बाद का काम है उसकी क्वालिटी पे काम करना आप शुरू में ही क्वालिटी पे काम करेंगे ना जी तो आप उस कभी अपनी प्रोडक्टिविटी के ऑप्टिमम लेवल तक नहीं जा सकते कि ये मेरी लिमिट है भाई इतने 1000 पेटी मेरे होती है तो आप पहले ही रखेंगे उसको काट कूट के तो पहुंचने नहीं का भी बगीचा पेड़ हो जाना खत्म उम्र है ना नहीं इनकी भी एक उम्र तक ही देगा उसके बाद तो ये भी बुढ़ा होगा मरेगा बीमारी लगेगी कुछ अब तो मौसम ऐसा है कि तो इसीलिए पहले अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाओ जी फिर उसकी क्वालिटी पे पहले पेड़ को बनाओ मतलब फिर उसके बाद बीमा बनाओ उस पे काम करना पहले पेड़ बनाओ फिर बीमा बनाओ फिर हां जी फिर बीमों की छांट छटाई फिर तो काम ही नहीं है ना जी आधे से आधी दिहाड़ी आ जाएगी जी सर यहाँ ऐसे ऐसे लोग है जी 50 दिहाड़ी वाले 11-11 दिहाड़ी में आ गए सही है काम ही नहीं रहा बोले बीमे छांटे बस कितने पैसे तो आपके उसी में बच गए और वो खुराक जी हमारा मानना है जी अगर मैंने 100 रुपए इसमें डाले है ना जी 100 का 90 कम से कम मेरे पेड़ में रहना चाहिए पर यहाँ क्या हो रहा है 100 का 60 60 क्या वो तो हम जला देते छींटे वो छींटे क्या है वो छींटे खुराक है जो पूरी साल हमने मेहनत की है जी वो छींटे कहाँ से बने वो ग्रोथ कहाँ से आई जब हमने खाद गोबर स्प्रे सब कुछ इसमें डाला वो ग्रोथ तब आई ना जी ग्रोथ सर्दी में काटी वो जला दी क्या जलाया आपने वो जलाया जो हमने पूरी साल मेहनत की पत्ते वगैरह में जलना पत्ते जलाने तभी जी अगर आपकी बीमारी लगी थी आपके लीफ फॉल हुआ मार्सोनिना अल्टरनेरिया स्कैब ऐसी कोई भी बीमारी आपके बगीचे में आई है तो आपको पत्ते जलाने ही है खत्म करने हैं आप स्प्रे से खत्म करो आग लगा के खत्म करो कैसे भी करो स्प्रे से खत्म हो जाते जी कास्टिक सोडा करो यूरिया स्प्रे कर दो नीचे फ्लोर पे उससे खत्म हो जाते हैं अगर बीमारी कोई नहीं आई आपके लीफ फॉल नहीं है कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो हम नहीं छेड़ते जी पत्ते हमारे वैसे के वैसे होते हम ऐसे झाड़ू मार के साथ आपने बोला छींटे जलाने नहीं तो क्या करना है इसका कैसे खूब फट जाते हैं छींटे जी जी नहीं छींटे हमारी तरफ हम तो नहीं जलाते जी हम तो इकट्ठे करते हैं हमारे गौशाला तैयार करते हैं हमारे नए लड़के जी उधर 30-40 लड़के इकट्ठे उन्होंने गौशाला मतलब जितने आवारा डंगर होते हैं जी उनको इकट्ठा कर देते हैं 150-200 कर देते हैं जी पशुओं को इकट्ठा तो हमारे जितने जैसे मैं हूँ हम सब इकट्ठे करेंगे रोडों पे ले आएंगे उन्हीं की पिकअप आती है कोई अपनी पिकअप करेगा लोड करके सीधी गाय के लिए जी उनके खाने के लिए ले जाते हैं वो जो सेब है ना सेब के पास जो डंडी होती ना उसमें एक छेद होता है किस कारण से होता है छेद डंडी के पास जी डंडी के पास
कैसा छेद में इसमें छेद के साथ पता नहीं मैं ले गया था रंगपुर से वहाँ क्या नाम बद्दे धूनी वाले हाँ जी तो वहाँ निकाला उसने उन्होंने ये वो डंडी के पास मतलब खाली खोखला था वो आरे परे से वो तो नहीं था छेद ही जैसा डंडी के पास मतलब गहरा था थोड़ी सी लेट हुई है ना जी उसका उस दौरान जब भी मौसम आपका सही टाइम पे ना बरसे तो बीमारियां उठ पटांग से कीड़े वो जब पहले आना था वो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि जब उसको जैसा मौसम मिलेगा नहीं जो तब पैदा होगा कई बार ऐसा होता ना कि किसी में नाइट्रोजन ज्यादा तो थोड़ा वो तो रस्टिंग आती है ना वो तो क्रैकिंग हो जाएगी ना ना रस्टिंग नहीं वो तो छेद okay, और वो तो कीड़े का ही होगा जी डंडी के साथ नीचे को वो तो किसी कीड़े की वजह से हुआ आपने वो दाना चेक नहीं किया फाड़ के फाड़ के तो ठीक है दाना वो ऊपर ले गया था मैं वहाँ देवू में नहीं अंदर कीड़ा नहीं था उसमें मैं लाया फिर ले गया मंडी वो तो कीड़े की वजह से हुआ होगा बाकी ऐसे छेद होना किसी डंडी के पास ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो डंडी के पास नहीं है फैलती रहेगी वो तो मोस्टली जैसे इतना है ना इसके बाद पानी जाने की जगह नहीं है तो पानी जैसे कुछ आएगा नहीं यहीं पे रहेगा उस वजह से कीड़े का छेद जजमेंट हो जाता हां जी जजमेंट हमारे से नहीं हो रहा था पूरा जजमेंट जो वो थे ना उस जहां पे सर ज्यादा धूप लगती है ना सनी साइड भयंकर सनी साइड मिट्टी भी हल्की है किस तरह की कटिंग वही चलेगा बिल्कुल चलेगा यहां पे इस साइड पे इस साइड पे बिल्कुल चलेगा ये हर जगह कामयाब है क्यों जहाँ बहुत धूप लगती है ना जी ये वाली चीजें तनों से पपड़िया पपड़िया निकलनी हर जगह से जलती है ये भी जलती है हाँ जी क्यों जलती है क्योंकि ये तो हमने साफ होते की हुई बीमा बनाया हमने यहाँ ये हमने साफ रखा बीमा तो इस ब्रांच हो गया जब आप यहाँ पे बीमा बनाएंगे ना जी ये देखो यहाँ पे बीमा होगा यहाँ पत्तियां निकली यहाँ पत्तियां निकली इसकी तो ऑटोमेटिकली धूप रुक गई टैंकर तो ऑटोमेटिक कम हो गया धूप तो लग ही रही है पर धूप को हमने यहाँ कैसे बचाना है सेब के लिए हमारे को धूप चाहिए उसमें साथ में पत्तियां हैं सेब का काम धूप ने कर दिया और जो धूप से नुकसान होना था वो पत्तियों ने बचा दिया पर हमने क्या किया वो बीमा बनाया इधर है ना ये इस दूर ब्रांच में बनाया ये साफ है यहाँ से धूप इसमें लग आने वाले टाइम में देखो यहाँ बीमा बनाया यहाँ पत्तियां आएगी ऑटोमेटिकली यहाँ धूप नहीं लगेगी तो नीचे नहीं लगेगी तो बीमारी बचेगी ये तो कहीं मर्जी इवन कीजिए 2 साल पहले लाहौल स्पीति में स्नोफॉल हुआ था सेब तोड़ने से पहले वहां पर ये हमारे विशाल बेक्टा जी वगैरह गए हुए थे इन्होंने वीडियो बनाया वहां से उनके 80% बगीचे खत्म हुए थे फट गए ऊपर से एक बगीचा दूर ऐसा दिख रहा था जिसमें टहने टूटे हुए नहीं थे उस बंदे के 5% नुकसान था और उस बंदे के जब बगीचे में गए वो कहीं यूट्यूब पे पंकज नेगी जी के वीडियो देखता उसने बीमे ऐसे कर दिए क्योंकि ये वाला है ना जी आपकी ये प्रूनिंग है जी सर। इसमें तो धूप बर्फ ने टिकना ही टिकना है ये गिरनी नहीं है इसमें बर्फ टिक ही नहीं सकती सिंगल है इसमें कहाँ टिकेगी जी बर्फ उस बंदे के सिर्फ 5% नुकसान था वो भी कहीं बोलो टहने के ऊपर टहना लग गया था वेट बढ़ा था वरना इस पे तो बर्फ टिक ही नहीं सकती नहीं टिक सकती और बाकी सब की प्रोनिंग ऐसी थी 80% पेड़ खत्म हो गए जिनके बर्फ ठीक है सर तो वो भी मतलब कि हमारे लिए बर्फ वाली जगह के लिए तो फायदा ही क्योंकि मैं खुद बर्फ वाली जगह में रहने वाला आदमी हूं हमने तो कभी अब जब से हमने ये प्रोनिंग की है जी शुरू हमारे तो कभी नुकसान नहीं हुआ ठीक है सर दूसरा क्वालिटी फ्रूट है जी दूसरा 80% 90% मटेरियल हम ए ग्रेड निकाल रहे हैं तो पैसा तो तब है भाई जब ए ग्रेड बिकेगा आप पेटी भर लो 5,000 जी पर उसमें ए ग्रेड की पेटी अगर 1500 आई हुई ना तो उसका फायदा क्या है सही जगह ए ग्रेड ज्यादा निकलेगी पैसा तो वही मिल रहा है वही है सर 2000 जो सेब बिक रहा है वही पैसा देगा जो 700-800 रुपए या 1200 बिकेगा वो पैसा क्या करना सही तो बकाया है 700 रुपए तो खर्चा आज की डेट में काम भी तभी ना ठीक है अगर हम बढ़िया माल निकालें क्वालिटी ये वाली जो प्रोनिंग है ना जी सर ये आपकी प्रोडक्शन से लेकर क्वालिटी से लेकर अल्टरनेट बेयरिंग से लेकर हर चीज के लिए फायदेमंद सिर्फ आपने कंट्रोल क्या करें यहाँ लोग थोड़े से क्या परेशान हुए अब जी जहाँ पहले गए थे वो बीमा बहुत बन गया भाई जी अब तो साइज नहीं बन रहा साइज तो अब क्या करना है अब वो इनके कि अब इसको हम कैसे छांटे तो अब उसको ऐसे छांटना है एक साल का देखो कि ये वाला बीमा मैंने रखना है अगले साल के रिंग काटो बस चलते रहो वही काम रह गया जी आपके पास ऑटोमेटिकली आपका और जब एक बार पूरे पेड़ का आपने बना दिया ना जी हाँ तो वो हर साल वैसे वैसे ही आपकी फसल कभी टूटेगी नहीं जहाँ पे बहुत सीली जगह है ना जी धूप नहीं बैठती हमारे आजकल लगभग 1.5 से 2 घंटे धूप आती है अच्छा जी तो वह ग्रोथ पे बहुत है बीमा तो है पर वो उतना प्रोटेक्ट नहीं होता है वहाँ तो उसकी थोड़ी बनता भी नहीं है सर वहाँ पे ना शेडी जोन में ना लेकिन जी बीमा उसको छोड़ना पड़ता है आपको 2-3 साल पेड़ को मतलब टॉप नहीं करना उसमें बनने दो 2 साल तो छोड़ा है पर 3 साल छोड़ रहा है करेगा जी वो रुकेगा 2-3 साल 4 साल भी लग जाते हैं जब एक बार बीमे बनने शुरू हो जाएंगे ना जी
फिर भी मैं फिर वो रोटेट करते रहने बस आपने भी। उसमें वाटर शूट बहुत ज्यादा है अंदर वाले जी, अंदर वाले तो निकालो आपने सर, बाकी उसको हेड बैक नहीं करनी आपने, उसे भी मैं बनने देना, ट्रिम मत करो अंदर वाले, वो वाले तो वाटर शूट आपने निकालने ही है जो धूप रोक रहे हैं, क्योंकि पहले ही धूप नहीं है आपके पास तो निकालने हैं, और वो भी वैसे ही निकालने जी, पूरा पीछे से कुछ भी नहीं निकालना ये है ना जी, तो यहाँ से नहीं निकालना है, और ना ही इसको यहाँ से निकालना रिंग पे है ना जी, इसको आपने यहाँ से निकाला ठूंठ जैसा इतना, हाँ जी वो ठूंठ से क्या होगा, इधर या इधर को टहनी फटेगी, इधर को नहीं जाएगी, इधर इधर को कहीं ना कहीं पिन निकलेगी अभी उसमें से, आप कुछ निकालो बाकी उनको अनटॉप छोड़ो जी, एक बार उसमें बीमा भरने दो, दो साल तो हो गया अनटॉप छोड़ो, एक साल और छोड़ो जी, वो घना जाएगा, अंदर वाले कुछ निकालो जो फिर काटो उसको निकालो, कुछ तो निकालना ही पड़ेगा ना, बाकी जो हेड बैग वगैरह है वो बंद करो, दो फुट से कम तो नहीं है, वो नहीं होगी जी, वो ऐसी जगह पे तो बीमा बनाना मुश्किल है आजकल तो, वहाँ दो तीन और जब बीमा उसमें बन जाएगा फिर वो अपने आप रोटेशन पे आ जाएगा, बीमा बनाना मुश्किल है जी, तीन तीन साल चार चार साल छोड़ने पड़ते हैं कई जगह, वो हमारे को ऐसा लगता नहीं जी वो तीन साल से तो काटे ही नहीं, पर उसको काट के करेंगे कि आप जब उसमें बीमा ही नहीं है, वो तो पेट आपको दे ही नहीं रहा कुछ, तो उसको एक बार बनने दो उसमें बीमा, ये इसका बिहेवियर है जी, प्लांट और जो ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी है ना ये सेम है, जैसा आदमी के लिए चीजें काम करती है वैसे प्लांट के लिए भी करती है, वैसे ही काम करती है, इसका आदत हो जाती है, और मेरे को आदत है ना कि मैंने ये खाना है या मैंने इतनी चलना है, तो इसको भी आदत है कि इतनी ग्रोथ करनी तो करनी है, इसको आपको इसकी आदत को तोड़ना पड़ेगा, वो कैसे टूटेगी, इसके प्रोसेस को ब्रेक करना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने आप कम होता कम होता कम होता, एक दिन ये अपने आप सूत में आ जाएगा, थोड़े धीट होते ना आदमी की तरह टाइम लगता है, सेब का काम क्या है ये पेशेंस वाला काम जी सर, ये जल्दी नहीं है इसमें, सेब है क्योंकि लंबा प्रोसेस है, जड़े बहुत बड़ी है, बड़ा पेड़ है, इसमें हर चीज में टाइम लगता है, किसी चीज का रिजल्ट देखना है कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज की और कल को रिजल्ट मिलेगा, हर चीज इसमें प्रूनिंग से स्प्रे से खाद से लेकर आप कोई भी चीज करेंगे इसमें टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पेशेंस रखनी पड़ेगी, एक नहीं दो साल में रिजल्ट मिलेगा, सब्जी में तो 12-15 साल के पेड़ है जैसे सर, उसमें बीमा भी आ गया है, उसको इस तरह काट सकते हैं, अच्छा पीछे ला सकते हैं, पीछे ले आ सकते हैं, कोई वैसे दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लांट को सिर्फ स्ट्रेस में नहीं जाने देना, ठीक है सर, छूट आ जाते हैं ना वो रिंग से कंट्रोल के ऊपर, धन्यवाद, उसमें जब आप भर के तब फिर वो इतना ही रखना, इतना लंबा नहीं रखना, इतना लंबा रखने के लिए काटा फिर एक बीमा बनना एक ग्रोथ, वो फिर दो साल चलाना पड़ेगा, अगले साल भी आपको फिर वैसे ही काटना पड़ेगा, जब वो टू ईयर हो जाएगा ना वो दो, कुछ प्लांट्स में हैवी वाटर शूट पीछे फट जाते हैं, जब वो टू ईयर हो जाएगा ना, जब दो साल हो जाएगा ना वो, तब वो आपने बीमे से काटना, वो तब तक उसको फिर वैसे ही काटना पड़ेगा जैसे पुरानी प्रूनिंग होती थी, रिंग से काटा ना हमने, जैसे इस साल काटा तो उसमें कई बार तीन आती है, तीन आती है, तो उसमें दूसरी साल क्या करना है उसका, जो तीन है ना जी, तीन में जो सबसे छोटी है ना जी उसको रखना, जो वीक है दो काटो, वीक पे ले आना मतलब, जैसे ये इस तरह का कट लगता है ना जैसे, कई बार यहाँ होता है की ये भी चलेगा जैसे, हाँ जी यहाँ से एक निकलेगा उसमें, तो वो निकाल देना, वो सर्दी में निकाल देना, सर्दी में निकाल देना, बड़े में मार सकते हैं सर ऐसे, कुछ लोग सर्दी में निकाल, जैसे यहाँ से हमने यही बीमे रखने हैं उसको आपने निकाल देना, वैसे वो ठूंस जैसा रख सर, जैसे ये कट लगाया ना सर आपने, तो रख सकते हैं आप भी में दो रख ले तीन रख ले, अगर पिन निकली पांच पांच सूख सूख जाते नहीं है, वही रखनी है दो काट देना सर, जैसे ही कट मारा ना आपने, ये सूख जाता है बाद में पानी पूनी लगने से, थोड़ा आगे छोड़ना पड़ेगा, हाँ जैसे देखो ना थोड़ा आगे से काटा, बराबर से तो कुछ भी नहीं काटना, थोड़ा मतलब ठीक है, थोड़ा पूरे पेड़ में कोई भी टहनी नहीं ऐसी कटेगी जो बिल्कुल ऐसी कटेगी साफ हो, जैसे मतलब काटेगा ना तो इसको थोड़ा छोड़ देना, छोड़ देना, आप इसको छोड़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इधर से बीमे फटेंगे, जैसे ये वाटर शूट ना सर, अगर आप इसको पूरा काटेंगे तो ये जख्म बनाएगा अंदर और वो सैप को रोकेगा, अंदर लकड़ी भी सुखाएगा, तो इतना सा थोड़ा सा आगे आपने इतना तो रखना ही रखना है हर जगह में, उठूंगा ठीक है सर, पूरा बराबर से कुछ नहीं काटना, जैसे ये वाटर शूट निकलते ना जी, हाँ जी कई बार वो काफी मतलब वो मोटे ग्रोथ में तो उसको कैसे करना है, एक साल उसको ऐसे ही छोड़ देना है, एक साल छोड़ दो जी, अगर आपको लग रहा है कि बहुत गैप है जी, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में फिर तो छोड़ दो, अगर आपको लग रहा है
कि मेरे इधर भी निकला इधर भी बीमा भर गया यार, तो फिर आप उसमें से जैसे एक छोड़ दिया दो को वैसे ही उतने ठूंठ से छोटा कर दिया, ठूंठ काटने से क्या होता ना जी वो इधर इधर की टहनी फटेगी उधर सीधी नहीं जाएगी, जो सीधी जाएगी वो ग्रोथ करेगी, इधर उधर को जाएगी ना जी वो ग्रोथ। जैसे नेक्स्ट ईयर वो उसमें हमने खुला छोड़ दिया, हाँ जी नेक्स्ट ईयर, तो उसको नेक्स्ट ईयर कैसे करेंगे हम? नेक्स्ट ईयर आप उसको इसमें तो, आपने ऑन टॉप छोड़ दिया ना, इसमें बीमे बनेंगे बनेंगे नहीं तो रिंग बनेंगे निकलते सर थोड़े थोड़े रिंग से, आपने इसको रिंग से पीछे करना है ठीक। ये प्रोसेस उसमें दो तीन साल में, फिर जब आप एक बार उसके रिंग फॉर्मेशन जब हो गए ना जी आपने उसको पीछे कर दिया फिर वो कभी नहीं बढ़ने वाला, फिर वो हमेशा कभी नहीं बढ़ेगा।